भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत गुट के आह्वान पर आज हरियाणा की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का काम किया, तो वहीं ट्रैक्टरों को रोड पर खड़े कर किसान सड़कों के बीचों बीच बैठ गए। यमुनानगर के गांव सुडेल में नेशनल हाईवे नंबर 344 पर किसानों ने धरने पर बैठ सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इन किसानों की माने तो यह संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था और आज उसी को लेकर किसान सड़क पर बैठ गए हैं। अगर ऊपर से कोई भी कॉल दिल्ली जाने के लिए आती है तो उन्होंने पहले से ही अपने ट्रैक्टरों का रुख दिल्ली की ओर कर रखा है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत गुट के किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया है और कहा कि जब तक किसानों को MSP नहीं मिलती तब तक वे अपने गांवों में ना बैंक कर्मचारी, ना बिजली कर्मचारी और ना ही किसी पुलिस कर्मचारियों को गांव में घुसने देंगे। अब अधिकारियों के गांव में ना घुसने को लेकर किसानों का ये ऐलान सरकार को काफी परेशान करने वाला है। देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने कहा भी 26 तारीख को ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ अपने मुंह करके खड़े कर लो, अगर आदेश दिल्ली की तरफ जाने का आएगा तो दिल्ली भी जाने से किसान पीछे नहीं हटेगा। और आज जो 13 तारीख से 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर लगातार किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और गोलियां और डंडा उन पर चार्ज किया जा रहा है, उसके विरोध में आज यहाँ सारे किसान इकट्ठे हुए हैं और सरकार WTO के सामने घुटने टेक कर किसानों को बर्बाद करना चाहती है। सरकार की मंशा है किसान नहीं बिल्कुल ख़त्म हो जाए और कॉरपोरेट घराने के जो लोग हैं वो उभरे, किसानों की खेती से छुटकारा पाने के लिए सरकार नई नीति लाकर किसानों को बर्बाद कर रही है। 11 बजे से 3 बजे तक का हमारे पास टाइम है, यही लंगर की व्यवस्था है, यही चाय की व्यवस्था है और अगर 4 बजे भी अगर ट्रैक्टरों का दिल्ली की तरफ जाने का आदेश आया तो किसान अपनी फसल और अपनी MSP के लिए अपनी जान और अपने बलिदान देने के लिए तैयार है। सारा किसान इकट्ठा है और आज पूरे देश में हर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर इकट्ठे हुए हैं। नीति तो जी हमारी तरफ से है जी, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से नहीं है, हमारे यमुनानगर जिले की तरफ से है कि अगर हमें MSP जब तक नहीं मिलती, कोई भी बैंक वाला, कोई भी बिजली वाला किसान को नजायज रूप से तंग करेगा तो किसान यूनियन उसके साथ खड़ी होगी जी। गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा जी। नहीं नहीं, बिजली वाले नहीं जी, बिजली वाले और बैंक वाले ये किसान को तंग कर रहे जी। हमें MSP नहीं मिल रही, MSP ना मिलने की वजह से हम कहीं मारे भाई, हम भी हैं उसमें, अभी हम बिल भी नहीं भर पाए रहे, उसकी वजह से हमारा छापे मारना जा कभी उन्होंने एक प्रोपगंडा बना दिया जी, बिजली वालों ने बना दिया खास करियो। ऐसे हमें जब तक MSP C250 के हिसाब से हमें रेट नहीं मिलता ना, तब तक हम किसी भी बैंक वाले को, जैसे कि हमारी लिमिटेड रुकी हुई है, हमारी भी रुकी है जी, और ये बिजली वाले हमें नजायज़ रूप से तंग करते हैं तो उनको हम निगाह में घुसने देंगे।